1 2 3 गो। फिलहाल के लिए सारी मुसीबत की जड़ यही है, ये एक मेरा माइक था। काफ़ी बड़ा है और इस रोड में मुझे पता नहीं मेरे कौन इजी कर लूँगा, इससे पहले तो मैं पूरा डाउन कर लेता हूँ स्पीड को अपने 7 6। ओके 1 2 3। अरे भाई क्यों आके रुक गया बीच में। सो लेट स्टार्ट 1 2 3 गो। फर्स्ट ट्राई में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। ये देख लो भाई, फिलहाल के लिए सारी मुसीबत की जड़ यही है, ये एक मेरा माइक था जो मैं 2 साल से यूज़ कर रहा था और ये अभी रिटर्न ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से मैं ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा और आपको फॉर श्योर नॉइस आ रहा रहेगा। मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम कि अच्छे से आवाज़ आ जाए, और अगर अच्छे से आवाज़ नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में तो मैं वॉइस ओवर कर लूँगा इस वीडियो को, क्योंकि मुझे ये टेस्ट बहुत टाइम से करने का मन था, क्योंकि मैंने आज तक मेरी गाड़ी का 25,000 किलोमीटर्स हो चुका है लेकिन कभी टेस्ट नहीं करा कि 0 to 100 कितने टाइम में वो पहुँच जाती है। तो मैं आज ट्राई करने जा रहा हूँ और चेक करते हैं कि कितने टाइम में 0 to 100 अपना पहुँच जाता है। और लोकेशन कुछ ऐसी है, एकदम खाली रोड है, ज़्यादा कोई लोग है नहीं यहाँ पर। वाह काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ये तो मैंने नोट ही नहीं करा था, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे ज़्यादा लोग वगैरह है नहीं और रोड से मैं थोड़ा नोन हूँ कि मुझे पता है यहाँ पर ये इतने लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ब्रेकर वगैरह है करके, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है। सो लेट स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। आगे थोड़ा पानी है तो पहले वो क्रॉस कर लेते हैं, मैं नहीं चाहता कि गाड़ी स्पीड हो जाए स्पीड में। पता नहीं कब लॉन्ग राइड पे जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे कॉल्स मिलेंगे डील करने के लिए, गाड़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो टाइम जल्दी आ जाए, क्योंकि शायद इतना पैच इनफ रहेगा। तो स्टार्ट 1 2 3 भाई हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहा है, मेरे चक्कर में ये चला जाएगा। तो स्टार्ट 1 2 3 गो। जरूर करूँगा टॉप स्पीड भी टेस्ट, बट फुल राइडिंग गियर के साथ, अभी तो सिर्फ मैंने हेलमेट पहना है और शूज़ पहने, वो भी राइडिंग शूज़ नहीं है, बट एटलीस्ट शूज़ तो पहनने चाहिए, बल्कि मैंने शूज़ तो पहने ही है। ठीक है तो स्टार्ट 1 2 3 गो। खराब हो चुका है, उसके वजह से मुझे अपना वाइज़र खुला रखना पड़ा बात करने से, कि एटलीस्ट मैं अगर वाइज़र बंद करूँगा तो टोटली आवाज़ पूरा सप्रेस हो जाएगा, और अगर मैं वाइज़र ओपन रखता हूँ तो शायद होपफुली थोड़ा मोड़ा सा जो है मेरा आवाज़ है वो वाइज़र को मतलब जो अपना विंडस्क्रीन है उसके थ्रू बाहर आ पाए और आपके इसमें आपको सुनाई दे पाए। तो मैंने चाहता था कि मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँ और वो वेस्ट
टेस्ट हो जाए। उस वजह से मैंने वाइज़र खुला रखा था, बट वाइज़र खुला रख के स्पीड टेस्ट करना मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ मुझे, बट ठीक है कोई नहीं। आज मैंने फर्स्ट टाइम करा है ट्राई, तो अभी घर जाके आउटकम देखेंगे। वैसे आपको तो अब तक पता पड़ ही गया होगा, आपकी स्क्रीन पे आ ही गया होगा रिजल्ट क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ये वीडियो। और अभी जाके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हाइट के ऊपर, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था, आई डोंट नो इफ ही माय सब्सक्राइबर और नॉट, बट उसने कमेंट जरूर करा था कि भाई मुझे एक वीडियो बना के दे कि अगर 5.3 या 5.4 हाइट का बंदा है तो ये गाड़ी सही से चला पा रहे कि नहीं। तो मैं वही वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ मिलके। तो वैसे प्रीतम है उसका नाम, आप उसे जानते ही रहोगे, फर्स्ट व्लॉग में भी आए वो और बहुत सारे व्लॉग्स में आए वो। अभी तो ये वीडियो बंद कर देते, सो लेट्स क्लोज दिस व्लॉग हियर ऑन दिस और मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी ऑन राव बैटरी, बाय। हेलो, हाँ बोलो। तू इधर पड़ा हो गया? हाँ जस्ट आया। देखा मैंने अभी, तू ही है ना ब्लैक फैन है जो? हाँ मैं ही था, मैं ही था। तूने किधर देखा मेरे को? तू किधर है?